एक सवाल जो आता है, किसी का निकाह ना हुआ हो तो ठीक, वो अपनी शर्मगाह का क्या इस्तेमाल कर सकता है या कर सकती है? निकाह नहीं हुआ, निकाह के बाद ही शर्मगाह इस्तेमाल होंगी, लेकिन अगर नहीं हुआ है निकाह, मर्द है औरत है, तो क्या शर्मगाह का इस्तेमाल कर सकती है जिसमें ज़हनी सुकून हासिल करने के लिए? तो याद रखिए ये जायज़ नहीं है, ठीक है। जिसको मुश्तजनी बोलेंगे, मास्टरबेशन बोलेंगे, और ये मर्द और औरत दोनों कर सकते हैं, ठीक है। तो ये शर्मगाह का ऐसा इस्तेमाल शरीयतन जायज़ नहीं है, याद रखिए। और उलमा ने फ़ुकहा ने इसको मकरूह की इस्तिलाह में जो है इसमें रखा, याद रखिए, ठीक। तो लिहाजा इससे परहेज़ करें, इसलिए कि इसकी जो नुकसानात हैं दे आर मच हैवी, बहुत ज़्यादा लॉसेस है, जिसके अंदर इंसान अपनी अपनी मुकम्मल तवानाई ताकतें इसी में गंवा कर शादी से शादी की उम्र आने आने तक जो अपनी सेहत, अपना जिस्म, अपनी अकल, अपनी सलाहियतें, अपनी सोच को बर्बाद कर चुका होता है। फिर उसको बीवी के साथ रहने में मज़ा नहीं आता, उसको अपनी सोच के साथ और अपने जो है शर्मगाह से वो खुद फ़ायदा उठा लेता है। तो याद रखिए शर्मगाह का इस्तेमाल मियाँ और बीवी कर सकते हैं, इसके अलावा की इजाज़त नहीं दी जा सकती, याद रखिए, ठीक। अब आइए आखिरी बात और आखिरी कलिमात ये